गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और पॉटी बॉय शॉन के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन पिरामिड देखने के लिए इजिप्ट घूमने गया था और शॉन बिना गुल्ली बुल्ली को बताए ही चला गया। और फिर जैसे ही गुल्ली बुल्ली को ये बात मालूम चली तो दोनों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और ये सारा गुस्सा अब शॉन के ऊपर ही निकलने वाला है, क्योंकि आज अपना शॉन वापस आने वाला है। इतने में ही गुल्ली बुल्ली को स्कूटर की आवाज़ आती है और सामने से शॉन आता हुआ दिखाई देता है। शॉन को देखते ही गुल्ली बुल्ली अलग अलग जाकर छुप जाती हैं, क्योंकि आज ये दोनों शॉन की सुताई करने वाले हैं। शॉन अपना स्कूटर घर के पास लाकर रोक देता है और स्कूटर से उतर जाता है और फिर शॉन घर के अंदर की तरफ चल देता है। इतने में ही पीछे से बुल्ली दौड़कर आता है और शॉन को यहीं पर गिरा देता है और बुल्ली शॉन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। बुल्ली कहता है, शॉन तुम हमें अपने साथ नहीं ले गए, अब तुम देखना कि गुल्ली तुम्हारे साथ क्या करता है। ये कहते ही बुल्ली शॉन के ऊपर से हट जाता है और अब गुल्ली की बारी है। लेकिन तभी शॉन खड़ा होकर सीधा घर के अंदर भागता है और गुल्ली बुल्ली भी शॉन के पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। मौज मस्ती हो जाने के बाद शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अच्छा हुआ मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले गया, वरना मेरी तरह तुम दोनों भी मुसीबत में पड़ जाते। शॉन की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली सीरियस हो जाते हैं और गुल्ली बोला, शॉन तुम किस मुसीबत की बात कर रहे हो। तभी शॉन कहता है कि गुल्ली इजिप्ट घूमने जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है और अगर तुम लोग भी ये बात जानोगे तो डर के मारे कांपने लगोगे। गुल्ली कहता है, शॉन ऐसी भी क्या बात है, कहीं इजिप्ट में तुम्हारा सामना मम्मी से तो नहीं हो गया। शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली तुमने बिल्कुल सही पहचाना, चलो मैं तुम लोगों को सारा किस्सा बताता हूँ कि पिरामिड देखते वक्त मेरे साथ क्या क्या हादसे हुए हैं। और फिर शॉन बताने लगता है कि जब वो पिरामिड को चारों तरफ से देख रहा था तभी शॉन को एक दरवाजा दिखाई देता है। वैसे तो पिरामिड के सारे दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आज शॉन को ये दरवाजा खुला हुआ मिलता है और शॉन के अलावा इस पिरामिड के आसपास और कोई नहीं है, इसीलिए शॉन उस दरवाजे के करीब जाता है ये देखने के लिए कि आखिर इन पिरामिड्स के अंदर होता क्या है। शॉन पास आकर इस दरवाजे को पूरा खोल देता है और फिर शॉन कुछ ऐसा देखता है कि सामने एक ताबूत रखा हुआ है और उसके आसपास कुछ अजीब सी मूर्तियां रखी हुई हैं। शॉन ने आज पहली बार एक ताबूत देखा है, इसीलिए शॉन इस ताबूत को पास जाकर देखने लगता है। शॉन जैसे ही ताबूत के पास आता है अचानक ये ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लग रहा है कि इस ताबूत के अंदर कोई है जो कि बाहर आना चाहता है, मगर ताबूत बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं आ सकता। ताबूत को हिलता हुआ देखकर शॉन बहुत घबरा जाता है और फिर शॉन ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि इस ताबूत के अंदर गलती से कोई आदमी बंद हो गया हो और अगर शॉन इस ताबूत को खोल दे तो उस आदमी की जान बच सकती है। लेकिन फिर शॉन को ऐसा लगता है कि ताबूत खोलने की वजह से ये किसी मुसीबत में न पड़ जाए। काफी देर सोचने के बाद शॉन ये फैसला करता है कि ये ताबूत खोलेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई आदमी हुआ तो फिर उसकी जान बच सकती है और अगर शॉन को जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो ये फौरन यहाँ से भाग जाएगा। यही सोचता हुआ शॉन ताबूत के पास आ जाता है और फिर ताबूत को खोल देता है। ताबूत खोलते ही शॉन फौरन दूर हटकर खड़ा हो जाता है और ये देखने लगता है कि ताबूत में से कौन बाहर आने वाला है। ताबूत खुलने के इतनी देर बाद भी इसमें कुछ हलचल नहीं हो रही, ये देखकर शॉन ये समझ जाता है कि जरूर अब कुछ गलत होने वाला है। शॉन ने ये सोचा ही था कि तभी ताबूत में से एक मम्मी बाहर आ जाती है, जिससे डरकर शॉन यहीं पर गिर जाता है। शॉन को जल्दी से उठकर यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि मम्मी पास आकर शॉन को मार दे, लेकिन डर के मारे शॉन से उठा भी नहीं जा रहा है, शायद अब मम्मी पास आकर शॉन को मार देगी। लेकिन तभी शॉन को पीछे से एक आवाज आती है। शॉन पीछे मुड़कर देखता है, अरे ये तो पिरामिड का वर्कर है और ये बिल्कुल सही टाइम पर आया है। शॉन ने अब जैसे ही पलट कर आगे देखा तो शॉन की खोपड़ी घूम गई, क्योंकि जो मम्मी अभी शॉन की तरफ ही आ रही थी ना जाने वो कहां गायब हो गई। चलो जो भी हो, शॉन तो आज बाल बाल बच गया। शॉन फौरन खड़ा होकर उस वर्कर के पास जाता है। वर्कर शॉन से कहता है कि तुम पिरामिड के अंदर क्या कर रहे हो, चलो फौरन यहाँ से बाहर निकलो। वर्कर की बात सुनकर शॉन यहाँ से चला जाता है
और तभी इस वर्कर की नज़र मम्मी के ताबूत पर पड़ती है जो कि खुला हुआ है। ताबूत को खुला देखकर वर्कर बहुत घबरा जाता है क्योंकि यह ताबूत किसी भी कीमत पर खुला नहीं होना चाहिए था। वर्कर फौरन दौड़कर ताबूत के पास आता है और ताबूत के अंदर देखने लगता है। बुल्ली कहता है कि शॉन वो वर्कर वहाँ पर सही टाइम पर आ गया और उसने तुम्हारी जान बचा ली, वरना वो मम्मी न जाने तुम्हारा क्या करती। गुल्ली ने कहा, हाँ बुल्ली, उस वर्कर ने शॉन की जान बचा ली, लेकिन पता नहीं फिर उस वर्कर का क्या हुआ होगा, कहीं उस मम्मी ने वर्कर को मार तो नहीं दिया। बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद उस वर्कर ने मम्मी को ताबूत में बंद कर दिया होगा। इतने में ही शॉन बोला, नहीं बुल्ली, वो वर्कर मारा जा चुका है, वो मम्मी उस वर्कर को मारकर पिरामिड से बाहर आ चुकी है। बुल्ली कहता है, लेकिन शॉन तुम्हें ये बात कैसे पता, तुम तो वहाँ से जा चुके थे। शॉन ने कहा, बुल्ली ये बात यहीं खत्म नहीं हो गई थी, चलो मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ। और फिर शॉन बताने लगता है कि पिरामिड से बाहर निकलने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए शॉन उसी रात फ्लाइट पकड़कर सीधा अपने घर वापस आ गया। और घर आते ही शॉन डर के मारे सीधा बेड पर जाकर सो गया। अभी शॉन घोड़े बेचकर सोया ही था कि तभी बेड के नीचे से जोरदार आवाज आती है और पूरा बेड हिल जाता है। शॉन की जैसे ही आंख खुलती है तो ये फौरन बेड के नीचे देखता है और शॉन कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है। बेड के नीचे किसी चीज की पट्टियां डली हुई हैं और शॉन भी ये बात नहीं जानता कि ये पट्टियां कहां से आ गईं। और ये पट्टियां हूबहू वैसी ही हैं जैसी पट्टियां उस मम्मी के ऊपर थीं। ये सब देखकर शॉन अब यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकने वाला था, क्योंकि शॉन पूरे घर में अकेला है और अगर यहाँ पर मम्मी आ गई तो फिर शॉन को कौन बचाएगा। इसीलिए शॉन ने अपना स्कूटर उठाया और गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ निकल गया। शॉन की ये पूरी कहानी सुनकर गुल्ली बुल्ली को भी मालूम हो जाता है कि शॉन ने इजिप्ट जाकर कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। लेकिन तभी बुल्ली शॉन से पूछता है कि शॉन बाकी सब तो समझ आता है, लेकिन ये मम्मी तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ी है और इस हद तक कि तुम्हारे पीछे ये इजिप्ट से यहाँ तक आ गई। शॉन ने कहा, बुल्ली मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मम्मी मुझे पकड़ के उसी पिरामिड में ले जाएगी और ले जाकर उस ताबूत में बंद कर देगी। गुल्ली कहता है, शॉन मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आज रात तुम यहीं रुकोगे और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन ले जाता है। शॉन कहता है, गुल्ली तुम्हारी ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं आज रात को यहीं पर रुकने के लिए आया हूँ। शॉन का फैसला हो गया है कि आज वो गुल्ली बुल्ली के घर पर ही रुकेगा। इसी खुशी में गुल्ली बुल्ली और शॉन कंप्यूटर पर गेम खेलने लगते हैं और आज ये तीनों दबाकर कंप्यूटर पर गेम खेलने वाले हैं। गेम खेलते खेलते गुल्ली बुल्ली और शॉन को टाइम का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। और रात होते ही मौसम एकदम खराब होने लगा, अचानक से तेज बारिश चालू हो गई और तेज बारिश होने की वजह से लाइट भी चली गई। लाइट जाते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन का कंप्यूटर बंद हो जाता है और अब तीनों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। पूरे घर में अंधेरा होने की वजह से तीनों जाकर बेड पर सो जाते हैं। अचानक से मौसम का बदल जाना जरूर किसी बड़ी मुसीबत का इशारा है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन इस बात से अनजान हैं और तीनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, लगता है शॉन की कही हुई बात सच होने वाली है क्योंकि मम्मी शॉन को अपने साथ ले जाने के लिए आ चुकी है। मम्मी शॉन का पैर पकड़कर उसे घसीटने लगती है और घसीटते हुए मम्मी शॉन को दरवाजे से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन तभी शॉन की आंख खुल जाती है और मम्मी को अपने सामने देखकर शॉन की हालत खराब हो जाती है। और फिर शॉन दरवाजे को कस के पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से चीखने लगता है। शॉन की चीख सुनकर गुल्ली और बुल्ली की आंख खुल जाती है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही शॉन को देखते हैं तभी मम्मी शॉन को पूरा बाहर घसीट लेती है।
ये देखकर गुल्ली और बुल्ली को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर शॉन को बाहर घसीटा किसने। बुल्ली फौरन बेड से नीचे उतरता है और पास में रखा हुआ लालटेन उठाता है और पलटकर गुल्ली से कहता है, गुल्ली जल्दी चलो, हमें शॉन को बचाना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगती हैं। बाहर आते ही गुल्ली बुल्ली चारों तरफ देखते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। इतने में ही गुल्ली ने बुल्ली को आवाज लगाई। बुल्ली फौरन गुल्ली के पास आता है और कहता है, गुल्ली क्या हुआ, तुम इधर जमीन पर क्या देख रहे हो। गुल्ली ने कहा, बुल्ली यहाँ देखो, किसी के पैरों के निशान बने हुए हैं। बुल्ली जैसे ही पैरों के निशान देखता है तो फौरन ही समझ जाता है कि ये पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि उसी मम्मी के हैं, क्योंकि ये पैरों के निशान खून से बने हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली हमें इनका पीछा करना होगा, इससे पहले कि मम्मी शॉन को नुकसान पहुंचाए, हमें उस मम्मी तक पहुंचना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली इन पैरों के निशान का पीछा करने लगती हैं, क्योंकि ये निशान ही गुल्ली बुल्ली को उस मम्मी तक पहुंचाएंगे। गुल्ली और बुल्ली अभी थोड़े ही आगे आए थे कि तभी इन्हें किसी के चीखने की आवाज लगती है। गुल्ली बुल्ली ये आवाज सुनते ही पहचान जाते हैं कि ये आवाज तो शॉन की है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली ये आवाज उस तरफ से आई है, चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। और थोड़ी देर में ही गुल्ली बुल्ली को शॉन दिख जाता है और साथ ही साथ गुल्ली बुल्ली को मम्मी भी दिख जाती है, जो कि शॉन को घसीटने में लगी हुई है। मम्मी को देखते ही बुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली वो रही मम्मी, चलो चलकर उसको बता देते हैं कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तुम यहीं रुको, मैं उसे अकेले ही देख लूंगा, क्योंकि देखने में तो वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। और इतना कहते ही गुल्ली ने मम्मी की तरफ दौड़ लगा दी। गुल्ली दौड़ता हुआ आता है और उछलकर मम्मी के किक मारता है, जिससे मम्मी दूर जाकर गिरती है। इधर गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं और बुल्ली आ चुके हैं और चलो अब साथ मिलकर इस मम्मी की धुलाई करते हैं। इधर मम्मी उठकर खड़ी हो जाती है और गुल्ली की तरफ ही देखने लगती है। और ये क्या, मम्मी की आंखें तो लाल हो गई हैं। इसका मतलब मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और अब ये पता नहीं क्या करने वाली है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर अब मम्मी क्या करेगी। और तभी मम्मी की ताकत देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और अब गुल्ली बुल्ली को ये नहीं समझ आ रहा कि अब ये शॉन का मम्मी से पीछा कैसे छुड़ाएंगे। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली वो मम्मी शॉन को उस गुफा में ले गई है, चलो जल्दी से उस गुफा में चलना होगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे नहीं लग रहा कि अब हम शॉन को बचा पाएंगे, क्योंकि तुमने अभी उस मम्मी की ताकत तो देख ही ली है। गुल्ली ने कहा, गुल्ली हम एक बार फिर कोशिश करेंगे, अब जल्दी चलो इससे पहले कि देर हो जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों ही गुफा की तरफ जाने लगते हैं। गुफा के करीब आते ही गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही गुफा के अंदर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि मम्मी ने गुफा के अंदर एक पोर्टल खोल दिया है और अगर मम्मी इस पोर्टल के अंदर गई तो ये सीधा ही पिरामिड पहुंच जाएगी। गुल्ली बुल्ली को जल्दी ही शॉन को बचाना होगा, वरना अगर मम्मी शॉन को लेकर पोर्टल के अंदर चली गई तो फिर शायद शॉन कभी नहीं बच पाएगा। गुल्ली ने कहा, बुल्ली जल्दी कुछ करो, वो मम्मी शॉन को पोर्टल के अंदर ले जा रही है। और फिर बुल्ली ने आओ देखा ना ताओ और सीधा जाकर मम्मी के स्मैक लगा दी। स्मैक लगते ही मम्मी पोर्टल के अंदर जाकर गिरती है
और शॉन भी मम्मी के हाथ से छूट जाता है। बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन जल्दी यहाँ से चलो वरना ये मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली के साथ यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अरे ये क्या, इस मम्मी ने तो जमीन के नीचे से चार मम्मीज और निकाल दी हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने जैसे ही चार और मम्मीज को देखा तो तीनों की डर के मारे हालत खराब हो गई और तीनों लोग पूरी रफ्तार के साथ यहाँ से निकल लेते हैं और चारों मम्मी भी गुल्ली बुल्ली और शॉन के पीछे ही जाने लगती हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को जल्दी से कहीं पर छुपना होगा क्योंकि वो मम्मीज इनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। भागते भागते गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर तक आ जाते हैं और घर के बाहर रुकते ही गुल्ली और बुल्ली शॉन से कहते हैं, शॉन तुम जल्दी से घर के अंदर जाकर छुप जाओ और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना, मैं और गुल्ली यहीं गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और इन चारों मम्मी को किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आने देंगे। गुल्ली बुल्ली की बात सुनकर शॉन फौरन घर के अंदर चला जाता है और गुल्ली बुल्ली भी जल्दी से गाड़ी के पीछे छुप जाती हैं। इतने में ही चारों मम्मी गुल्ली बुल्ली का पीछा करते हुए गुल्ली बुल्ली के घर तक पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, ऐसा लग रहा है कि इन चारों मम्मी को शॉन का पता मालूम है इसीलिए ये सीधा ही घर के अंदर चली गईं। गुल्ली बुल्ली ये देखते ही काफी घबरा जाती हैं क्योंकि घर के अंदर शॉन को बचाने वाला कोई नहीं है। गुल्ली कहता है, बुल्ली जल्दी घर के अंदर चलो, शॉन अकेला उन चारों मम्मी से नहीं बच पाएगा। इतने में ही बुल्ली ने कहा, गुल्ली जरा सामने देखो। अरे ये क्या, मम्मीज ने तो शॉन को ढूंढ निकाला और ये तो शॉन को अपने साथ ले जा रही हैं। मम्मी शॉन का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही और ये देखकर बुल्ली का दिमाग खराब हो गया क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने शॉन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम रही। और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली सीधे अंदर जाकर दादाजी की पुरानी तलवार लेकर आओ, अब मैं इस मुसीबत की जड़ ही खत्म कर दूंगा। तभी हैरान होकर गुल्ली ने कहा, बुल्ली क्या तुम शॉन को मारने की बात कर रहे हो? बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली पागल हो गए हो क्या, मैं शॉन को नहीं मम्मी को मारने की बात कर रहा हूँ, अब जल्दी जाओ और तलवार लेकर आओ इससे पहले कि मेरा उबलता हुआ खून ठंडा हो जाए। और फिर गुल्ली तुरंत घर के अंदर जाता है और इधर उधर दादाजी की तलवार को देखने लगता है। आखिरी बार गुल्ली ने उस तलवार को पीछे वाले कमरे की दीवार पर टांगा था ताकि वक्त आने पर तलवार आसानी से मिल सके, लेकिन अब जब गुल्ली तलवार लेने आया है तो तलवार यहाँ से गायब है। जरूर ये काम बुल्ली का होगा। गुल्ली बुल्ली के पास वापस गया और कहने लगा कि बुल्ली तलवार को कहाँ छुपा दिया है, मैंने उस दीवार से उतारने के लिए मना किया था। बुल्ली कहता है, गुल्ली याद आया, मैंने उस तलवार को पूरी सेफ्टी के साथ एक बक्से के अंदर रख दिया था और वो बक्सा मेरे बेड के नीचे होगा और उस बक्से की चाबी मेरे गद्दे के नीचे है, लेकिन बक्से के अंदर एक और बॉक्स है जिसकी चाबी तो पिछले महीने ही खो गई थी, इसीलिए तुम ये अद्धा उठाओ और ताला तोड़कर जल्दी से तलवार लेकर आओ। म्यूजिक। गुल्ली को बुल्ली की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया मगर फिलहाल मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए गुल्ली ने अद्धा उठाया और ताला तोड़ने के लिए चल दिया। और फिर गुल्ली ने सारी मशक्कत के बाद तलवार को बाहर निकाल लिया और तलवार लेकर बुल्ली के पास चल दिया।
बुल्ली के हाथ में तलवार के आ गई। बुल्ली ने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया और बुल्ली पीछे मुड़कर गुल्ली और शॉन से कहता है, देखो हमें बस इतना ही करना था, तुम लोग तो बेकार ही डर रहे थे और पता नहीं क्यों अभी भी डरे जा रहे हो, जबकि मैंने मम्मी को मार दिया है। तभी गुल्ली और शॉन चिल्लाते हुए बुल्ली से कहते हैं, अरे बुल्ली पीछे मुड़कर देखो, वो मम्मी अभी भी जिंदा है। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड जैसे ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है तो पास आकर कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आ रहे हो, आना है तो मेरी हवेली पर आओ। बुल्ली कहता है, हाँ हाँ रॉड जरूर आएंगे, अगर आज हम सब यहाँ से जिंदा बच गए तो कल का खाना तुम्हारी हवेली पर ही होगा, पहले सामने देखो कौन सी मुसीबत आ रही है। रॉड कहता है, अरे ये कौन है, देखने में तो डरावना है लेकिन ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, हटो जरा मैं देखता हूँ। अरे ये गुल्ली कहाँ चल दिया बिना किसी को बताए, अचानक रॉड की वैन लेकर गुल्ली कहाँ जा रहा है। दरअसल ये बात तो गुल्ली ने मुझे भी नहीं बताई, चलो फिर ये बात गुल्ली से ही पूछ लेते हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूँ बाबा को बुलाने, क्योंकि मुझे मालूम है कि रॉड भी उस मम्मी को नहीं रोक पाएगा, और वैसे भी आप तो ये जानते ही हैं कि वो मम्मी मर नहीं सकती, इसीलिए मुझे जल्दी से बाबा को लेकर आना होगा, अब बाबा ही हमें इस मुसीबत से बचा सकती हैं। इधर रॉड मम्मी की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक रॉड ने कुछ ऐसा किया, अरे बुल्ली वो कौन है। रॉड की इस हरकत से जैसे ही मम्मी का ध्यान उस तरफ किया तो फौरन रॉड ने मम्मी को फ्रीज कर दिया। रॉड ने तो मम्मी के साथ अलग ही खेल खेल दिया, मम्मी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रॉड कुछ ऐसा भी कर सकता है। मम्मी को फ्रीज करने के बाद रॉड पीछे मुड़कर बुल्ली और शॉन की तरफ देखने लगता है, और तभी अरे ये क्या, मम्मी ने रॉड के साथ ये क्या कर दिया, लगता है रॉड अब मम्मी के काबू में आ चुका है। और फिर मम्मी रॉड को बुल्ली के पीछे लगा देती है ताकि बुल्ली मम्मी के काम में टांग ना अड़ा सके। बेचारा बुल्ली अब अकेला पड़ चुका है, रॉड जो कि दोस्त बनकर आया था अब वो ही दुश्मन बन चुका है। इधर शॉन मम्मी के हाथों पकड़ा जाता है और मम्मी शॉन को लेकर पोर्टल की तरफ जाने लगती है। इतनी कोशिशों के बाद भी आखिरकार शॉन मम्मी से नहीं बच पाया और मम्मी शॉन को लेकर पोर्टल के अंदर चली गई, और मम्मी के यहाँ से जाते ही पोर्टल भी बंद हो जाता है। इधर रॉड ने बुल्ली को मारने की पूरी तैयारी कर ली है। रॉड एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है, शायद अब रॉड बुल्ली को नहीं छोड़ेगा। रॉड ये पत्थर बुल्ली को मारने ही वाला था लेकिन तभी बाबा बिल्कुल सही टाइम पर आ जाते हैं और बुल्ली को रॉड के हाथों बचा लेते हैं। और फिर बाबा पीछे मुड़कर बुल्ली से पूछते हैं, बुल्ली क्या हुआ, ये रॉड तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, अगर मैं नहीं आता तो ये तो तुम्हें मारने वाला था,
बुल्ली कहता है बाबा इसमें रॉड की कोई गलती नहीं, रॉड तो उस मम्मी के काबू में है। बाबा कहते हैं बुल्ली कहाँ है वो मम्मी और शॉन कहाँ पर है, बताओ मुझे, मैं अभी उसे ठिकाने लगा देता हूँ। बुल्ली कहता है बाबा आपने आने में बहुत देर कर दी, उस मम्मी ने एक पोर्टल खोला और शॉन को लेकर सीधा पिरामिड चली गई, और पता नहीं शॉन अब जिंदा भी होगा या नहीं। बुल्ली बोला बाबा अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब आप ही कुछ बताइए। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली अगर ऐसा है तो हमें ये सारी बात खुद शॉन से ही पता करनी होगी। बुल्ली कहता है बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, शॉन को तो मम्मी ले गई है, आखिर ये कैसे मुमकिन है। बाबा कहते हैं बुल्ली अभी तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे होते हुए क्या क्या मुमकिन है, चलो रॉड को उठाकर वैन में डालो, हम मेरे घर पर चलेंगे और आगे की बात वहीं पर होगी। बाबा की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली रॉड को वैन में डाल देते हैं और फिर चारों बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पर पहुंचकर बाबा ने रॉड को एक पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि अब रॉड अपने आपे से बाहर है, इसीलिए सबकी भलाई इसी में है कि रॉड यहीं पर बंद रहे। और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों में से कौन शॉन से मिलना चाहता है। बुल्ली कहता है बाबा क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ बुल्ली, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड का ही वक्त होगा, इतनी देर में ही तुम्हें शॉन से सारी जानकारी लेनी होगी कि शॉन अभी कहाँ पर है और वो जिंदा भी है या नहीं। गुल्ली ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है गुल्ली, अब तुम यहाँ आकर इस घेरे के अंदर बैठ जाओ। बाबा की बात मानकर गुल्ली इस घेरे के अंदर आकर बैठ जाता है। बाबा गुल्ली से कहते हैं गुल्ली ये बात मत भूलना कि तुम्हारे पास केवल 30 सेकंड है, इसीलिए बेकार की बात मत करना और केवल मतलब की बात ही शॉन से पूछना। गुल्ली कहता है बाबा ये तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं और शॉन मिलेंगे किस जगह पर। बाबा बताते हैं गुल्ली ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि तुम और शॉन अपने सपने में मिलोगे और सपने में जगह तुम्हारा दिमाग तय करेगा, और हाँ भूलना मत कि तुम्हारे पास केवल 30 सेकंड होंगे। गुल्ली कहता है बाबा मैं सब समझ गया, अब आप आगे का कार्यक्रम शुरू कीजिए। और फिर बाबा अपनी छड़ी उठाते हैं और जमीन पर मार देते हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है। लगता है गुल्ली और शॉन अपने सपने में आ चुके हैं, लेकिन शॉन कहाँ पर है। गुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है और अपने सामने देखता है तो गुल्ली को टेबल पर लेटा हुआ शॉन दिख जाता है। गुल्ली शॉन के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, तभी शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और गुल्ली को देखते ही शॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है गुल्ली आखिर तुमने मुझे उस मम्मी से बचा ही लिया। तभी गुल्ली शॉन को बताता है अरे शॉन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम और मैं अभी अपने सपने में हैं और ये सब बाबा ने किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं उस मम्मी ने तुम्हें मार तो नहीं दिया और आखिर वो तुम्हें कहाँ पर ले गई है। शॉन कहता है नहीं गुल्ली, उसने मुझे अभी तक नहीं मारा है और मैं किसी चीज के अंदर बंद हूँ, आसपास अंधेरा है और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। शॉन तुम बिल्कुल मत घबराना, हम तुम्हें बचा लेंगे। लगता है 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं और गुल्ली सपने से बाहर आ चुका है, और फिर गुल्ली खड़ा हो जाता है और बुल्ली और बाबा के पास आता है। बाबा कहते हैं क्या हुआ गुल्ली, शॉन ने तुम्हें क्या बताया। गुल्ली कहता है बाबा शॉन को मम्मी ने ताबूत में बंद कर दिया है, हमें जल्दी चलकर शॉन को बचाना होगा इससे पहले कि शॉन के साथ कुछ बुरा हो जाए। बाबा कहती है गुल्ली हम शॉन को बचा लेंगे, चलो हमें इसी वक्त इजिप्ट चलना होगा। बुल्ली ने कहा ठीक है बाबा, तो फिर मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बाबा कहती है बुल्ली गाड़ी की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी इतना टाइम नहीं कि हम गाड़ी के आने का इंतजार करें, यहाँ पर मेरी बाइक है और चलो हम मेरी बाइक पर ही चलेंगे। बाबा मुझे नहीं लगता कि ये बाइक हमें इजिप्ट पहुंचा पाएगी, अभी भी टाइम है, मैं जल्दी से जाकर गाड़ी ले आता हूँ। बाबा कहते हैं बुल्ली तुम जल्दी बैठो, जितनी देर में तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होगी उतनी देर में तो हम पहुंच भी जाएंगे।
और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा तीनों ही इजिप्ट के लिए चल देते हैं। दो दिन तक लगातार बाइक भगाने के बाद आखिर बाबा गुल्ली और बुल्ली के साथ इजिप्ट पहुंच जाते हैं और तीनों लोग पिरामिड की तरफ जाने लगते हैं। पिरामिड्स के थोड़ा पास आते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा रुक जाते हैं और बाबा गुल्ली से कहने लगते हैं, गुल्ली मेरे हिसाब से शॉन इस पहले वाले पिरामिड में ही होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है गुल्ली? हाँ बाबा, मुझे भी यही लगता है। बाबा कहते हैं, चलो फिर, देर किस बात की है, शॉन ने तुम्हें बताया था कि वो एक ताबूत के अंदर है और अगर वो ताबूत उस पिरामिड के अंदर हुआ और शॉन हमें मिल गया तो इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है, चलो आ जाओ मेरे पीछे। और फिर बाबा और गुल्ली बुल्ली पिरामिड के पास जाने लगते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम तीनों ने यहाँ लगा बोर्ड नहीं पढ़ा, यहाँ से आगे तुम तीनों नहीं जा सकते हो। गुल्ली कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, हम यहाँ से आगे क्यों नहीं जा सकते? तभी सिपाही कहता है कि शायद तुम ये बात नहीं जानते, कुछ दिन पहले किसी ने यहाँ के वर्कर को मारकर एक बहुत पुरानी मम्मी को चोरी कर दिया है। गुल्ली कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मम्मी को चोरी नहीं किया गया है, बल्कि वो ताबूत से निकलकर बाहर आ चुकी है और उसने हमारे एक साथी को पकड़ दिया है और पिरामिड के अंदर ताबूत में बंद कर दिया है। सिपाही जैसे ही गुल्ली की ये बात सुनता है तो ये जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अरे ये सब तुम क्या बता रहे हो, मैं ये सब बातें नहीं मानता। बुल्ली कहता है, देखो तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, अगर यकीन नहीं होता तो चलो अंदर चलकर देख लेते हैं। सिपाही ने कहा, मैंने उस ताबूत को खुद अपने हाथों से बंद किया था और उसके अंदर कोई नहीं था और पिछले 5 दिन से तो ये पिरामिड का दरवाजा भी नहीं खुला है, फिर आखिर मैं ये कैसे मान लूं कि ताबूत के अंदर तुम्हारा साथी बंद है, तुम लोग जरूर झूठ बोल रहे हो। गुल्ली कहता है, ठीक है, अगर ताबूत अंदर रखा है तो अंदर चलकर ही देख लेते हैं, अभी सब पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। सिपाही बोला, नहीं नहीं, पिरामिड का दरवाजा नहीं खुलेगा। इससे पहले कि गुल्ली कुछ बोलता तभी बाबा बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, चलो गुल्ली बहुत हुआ, अब मैं जानता हूँ कि हमें आगे क्या करना है, आ जाओ यहाँ से चलते हैं। और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जैसे ही अंदर जाने का सही मौका मिलता है तो बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, चलो रास्ता बिल्कुल साफ है, बिना आवाज करे मेरे पीछे आओ। अरे ये क्या, ताबूत तो यहाँ पर है ही नहीं, आखिर ताबूत कहाँ जा सकता है? बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, यहाँ पर तो कोई ताबूत नहीं है, अगर ताबूत यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ है? बाबा मुझे लगता है कोई आ रहा है। बुल्ली ने इतना कहा ही था कि तभी एक सिपाही आ जाता है और गुल्ली बुल्ली और बाबा को देख लेता है। बाबा जैसे ही सिपाही को देखते हैं तो कहते हैं कि ताबूत कहाँ पर है, तुमने ताबूत को अपने हाथों से बंद किया था तो बताओ अब कहाँ पर है ताबूत? सिपाही ने जैसे ही देखा कि ताबूत यहाँ से गायब है तो ये बाबा से कहने लगता है, इसका मतलब मम्मी को भी तुम लोगों ने ही चुराया है और अब ताबूत भी चोरी कर लिया, अगर अभी भी मन नहीं भरा है तो पूरा पिरामिड उठाकर क्यों नहीं ले जाते? रुको मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ, अब तुम लोग बचोगे नहीं। बाबा कहते हैं, चलो गुल्ली बुल्ली यहाँ से निकलते हैं वरना ये तो सारा इल्जाम हम लोगों पर ही डाल देगा। गुल्ली बुल्ली और बाबा अभी जा ही रहे थे कि तभी इन्हें कोई आवाज लगाता है। अरे ये तो एक बूढ़े बाबा हैं और ये आवाज लगाकर गुल्ली बुल्ली और बाबा को अपने पास बुला लेते हैं।
और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। अंदर आते ही बाबा कहते हैं कि बताओ तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। तो ये पिरामिड वाले बाबा बताने लगते हैं कि जो ताबूत तुम लोग ढूंढ रहे हो मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर मिलेगा। ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा हैरान हो जाते हैं और बाबा ने कहा तो फिर देर किस बात की है, जल्दी हमें बताओ कि वो ताबूत कहाँ पर है, क्योंकि अगर हमने जल्दी ही उस ताबूत को नहीं ढूंढा तो हमारे एक साथी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये पिरामिड वाले बाबा बताते हैं कि फिलहाल तुम्हारे साथी की जान को कोई खतरा नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए 7 दिन का वक्त है। बाबा कहते हैं ये 7 दिन का क्या मतलब है, और 2 दिन तो हमें पहले ही हो चुके हैं। अभी पिरामिड वाले बाबा बताने ही जा रहे थे लेकिन तभी बाहर कोई गेट बजाने लगता है। गुल्ली कहता है बाबा मुझे लगता है कि बाहर सिपाही आ गए हैं। पिरामिड वाले बाबा कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से छुप जाओ, मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा। बाबा कहते हैं लेकिन छुपे कहाँ पर, जगह भी तो नहीं है। बाहर 2 सिपाही बहुत देर से गेट बजा रहे हैं लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा। तभी एक सिपाही कहता है लगता है वो तीनों अंदर ही छुपे हैं और डर के मारे गेट नहीं खोल रहे, चलो गेट तोड़ दो दया। दया ने जैसे ही ये सुना तो फौरन गेट तोड़ने के लिए तैयार हो गया। भाई 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 भाई। और ये क्या, दया ने तो पिरामिड वाले बाबा को ही तोड़ दिया। दूसरे सिपाही ने जैसे ही देखा कि ये घर तो पिरामिड वाले बाबा का है तो उसने आओ देखा ना ताओ और चुपचाप यहाँ से निकल लिया। और इधर पिरामिड वाले बाबा ने दया को 3-4 खरी खोटी सुना दी, जिसे सुनकर दया भी फौरन यहाँ से निकल लिया। और दोनों सिपाही के यहाँ से जाते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा भी टेबल के पीछे से बाहर आ जाते हैं और पिरामिड वाले बाबा के पास आ जाते हैं। और फिर पिरामिड वाले बाबा कहते हैं हाँ तो मैं तुम्हें कुछ बता रहा था कि आखिर ये 7 दिन का क्या चक्कर है। दरअसल बात उस समय की है जब इजिप्ट पर एक राजा का शासन था और उसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए बुरी ताकतों का सहारा लेना चाहा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं और वो बुरी शक्तियाँ उसके ऊपर ही हावी हो गईं। और फिर यहाँ के लोगों ने मिलकर उस राजा की मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया था, लेकिन शॉन ने उस ताबूत को खोल दिया, इसीलिए वो राजा शॉन के पीछे पड़ा है क्योंकि वो शॉन को अपनी जगह पर बंद करके खुद आजाद होना चाहता है। बाबा कहती हैं अगर ऐसा है तो फिर अब तक तो शॉन को उसने ताबूत में बंद भी कर दिया होगा। पिरामिड वाले बाबा ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है, क्योंकि अगर उस मम्मी को आजाद होना है तो उसे 7 दिन तक एक रस्म करनी होगी, जिसके बाद शॉन उसकी जगह पर हमेशा के लिए ताबूत में बंद हो जाएगा। गुल्ली ने कहा इसका मतलब हमारे पास 5 दिन है क्योंकि 2 दिन तो पहले ही हो चुके हैं। बाबा कहते हैं चलो फिर और देर नहीं करते हैं, जल्दी चलकर उस राजा का बाजा बजा देते हैं। गुल्ली ने कहा लेकिन बाबा बाजा तो तब बजेगा ना जब हमें मालूम होगा कि वो है कहाँ पर। क्या आप जानते हैं बाबा कि वो मम्मी है कहाँ पर? गुल्ली की बात सुनकर बाबा का मुंह लटक गया। तभी गुल्ली ने बुल्ली से पूछा क्या बुल्ली तुम जानते हो कि वो ताबूत कहाँ पर है? बुल्ली ने कहा नहीं गुल्ली मैं नहीं जानता। और फिर गुल्ली कहता है तो इसका मतलब किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर हमें जाना कहाँ पर है। पिरामिड वाले बाबा ने जैसे ही गुल्ली की ये बात सुनी तो सीना चौड़ा करके एक कदम आगे आ गए, लेकिन किसी का भी ध्यान पिरामिड वाले बाबा के ऊपर नहीं है। ये देख कर ये मन ही मन में सोचने लगते है मैं क्या तुम्हें जॉब छोड़ दूं? और फिर पिरामिड वाले बाबा कहते हैं गुल्ली जो बात कोई नहीं जानता वो पिरामिड वाले बाबा जानते हैं, चलो आओ मैं बताता हूँ कि वो ताबूत कहाँ पर है। सारे लोग अब इस मैप में देखो और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तभी बुल्ली बाबा से माफी मांगने लगता है कि बाबा मुझे माफ कर दिए, अब मैं शॉन को बचाने में आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। पिरामिड वाले बाबा कहते हैं अरे बुल्ली लाइट चली गई थी, गरीब खाने में ऐसा ही होता है। चलो अब इस मैप में देखो, ये रहा वो पिरामिड
जिसके अंदर हमें ताबूत मिलेगा। ये सुनते ही बाबा कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन पिरामिड वाले बाबा रोक देते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो, यही ना कि तुम पिरामिड के अंदर जा चुके हो और वहाँ पर तुम्हें ताबूत नहीं मिला, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो असली पिरामिड है ही नहीं, वो तो केवल लोगों के घूमने के लिए बनाया गया था और असली पिरामिड तो अमेज़न के जंगलों में छुपा हुआ है और सबसे पहले हमें ये पिरामिड ढूंढना होगा और उसके बाद पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता, क्योंकि पिरामिड के अंदर जा पाना इतना आसान भी नहीं और अगर हम पिरामिड के अंदर पहुंच भी गए तो अंदर का हाल क्या होगा ये मेरी समझ से बाहर है। ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है और अगर तुम शॉन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हो तो अपना हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ, मैं भी लगा सकता हूँ। हम पिरामिड के बहुत पास आ चुके हैं, चारों तरफ देखते रहना, नक्शे के हिसाब से पिरामिड यहीं कहीं होना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो क्या है, कहीं वो ही तो पिरामिड नहीं। बाबा ने कहा, हाँ वही है पिरामिड, आ जाओ मेरे पीछे। नक्शे की मदद से गुल्ली बुल्ली और बाबा ने असली पिरामिड को ढूंढ निकाला जो कि अमेज़न जंगलों के बीचों बीच छुपा हुआ है। और फिर बाबा ने पिरामिड के पास जाकर देखा कि शायद अंदर जाने का कोई रास्ता खुल जाए। तभी बुल्ली कहता है, बाबा यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी पिरामिड वाले बाबा कहते हैं, चलो हमें पिरामिड तो मिल गया, अब बस अंदर जाने का रास्ता भी मिल जाए, जो कि मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बाबा कहते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा, शायद हम पिरामिड के पीछे की तरफ खड़े हैं, हमें पूरे पिरामिड का एक चक्कर लगाना चाहिए, तभी हमें अंदर जाने का दरवाजा मिल सकता है। और फिर बाबा ने अपनी छड़ी को जमीन पर खड़ा कर दिया और कहने लगे कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं पर ही आएंगे। और फिर सारे लोग बाबा के पीछे जाने लगते हैं। पिरामिड का पूरा चक्कर लगाते लगाते रात हो जाती है और गुल्ली बुल्ली और बाबा को पिरामिड के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी पिरामिड वाले बाबा कहते हैं कि मुझे इसी बात का डर था कि अगर हमें दरवाजा नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे। बाबा कहते हैं, अगर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं तो हमें इस पिरामिड की दीवार को तोड़कर अंदर जाना होगा। पिरामिड वाले बाबा कहती हैं कि ये दीवारें बहुत ही ज्यादा बड़े पत्थरों से बनी होती हैं। अगर हमने अभी तोड़ना चालू कर भी दिया तो दीवार तोड़ने में एक महीना तो लग ही जाएगा और हमारे पास है केवल 5 दिन, इसीलिए हमें अंदर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी बुल्ली कहता है, बाबा हमें थोड़ा आराम कर देना चाहिए, पिरामिड का चक्कर लगाकर सभी लोग काफी थक गए हैं। पिरामिड वाले बाबा ने कहा, हाँ हाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बाबा कहते हैं, तुम लोगों को आराम करना है तो कर लो, मुझे तो दरवाजा ढूंढे बिना नींद भी नहीं आएगी। और फिर गुल्ली बुल्ली और पिरामिड वाले बाबा आराम करने लगते हैं और बाबा पास में ही खड़े होकर आसपास नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए बाबा को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। अभी बाबा इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक बाबा ने ऐसा क्या देख लिया। बाबा ने फौरन गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाई और कहा कि सामने देखो। गुल्ली बुल्ली ने जैसे ही सामने देखा तो इनके होश उड़ गए और बुल्ली बोला, बाबा ये तो अपना रॉड है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ सकता है, बाबा आपने तो रॉड को पिंजरे में बंद कर दिया था। बाबा कहती हैं, हाँ बुल्ली मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर पहले हमें कहीं पर छुपना होगा, कहीं रॉड हमें देख ना ले, चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। और फिर चारों लोग एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाते हैं और रॉड को देखने लगते हैं। इधर रॉड एक बड़े से पत्थर के पास आकर रुक जाता है और उसे धक्का लगाकर खिसकाने लगता है। रॉड को ऐसा करते देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रॉड करना क्या चाहता है, बस चारों चुपचाप रॉड को देखे जा रहे हैं। अब
अरे ये क्या, रॉड ने पिरामिड का दरवाजा खोल दिया। इसका मतलब दरवाजा पत्थरों को खिसकाने से खुलता है। रॉड को दरवाजा खोलते हुए देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा को भी मालूम हो जाता है कि आखिर पिरामिड का दरवाजा खोलना कैसे है। और तभी गुल्ली बोला, बाबा रॉड तो दरवाजा खोल कर पिरामिड के अंदर जा रहा है, हमें भी रॉड के पीछे अंदर चलना चाहिए, वरना क्या पता बाद में दरवाजा खुले भी या नहीं। बाबा कहती है, नहीं गुल्ली, पहले रॉड को चला जाने दो, क्योंकि रॉड मम्मी के काबू में है, इसीलिए रॉड के पीछे जाने से हमारे लिए खतरा हो सकता है। इधर रॉड पिरामिड के अंदर चला जाता है और रॉड के अंदर जाते ही पिरामिड का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इधर बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं कि इसका मतलब रॉड को यहाँ पर मम्मी ने बुलाया है, इसीलिए वो पिरामिड के अंदर चला गया, चलो अब हमें भी पिरामिड के अंदर चलना चाहिए। तभी बुल्ली बोला, अरे पिरामिड वाले बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, पिरामिड तो इधर है। पिरामिड वाले बाबा ने कहा, बुल्ली मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए अब मुझे चलना होगा, और वैसे भी अब तुम लोग जानते ही हो कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। बस इतना कहते ही पिरामिड वाले बाबा यहाँ से चले जाते हैं। बाबा ने कहा, चलो अब देर नहीं करते हैं और सीधा पिरामिड के अंदर चलते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा पिरामिड को खोलने के लिए पत्थरों को खिसकाने ही वाले थे, लेकिन तभी तीनों को किसी चीज की आवाज आने लगती है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये कैसी आवाज है, लगता है जंगल में हमारे साथ और कोई भी है। तभी गुल्ली बोला, वो देखो वहाँ से कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई, देखने में तो ये किसी लुटेरे से कम नहीं लगते। हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हम हैं पिरामिड के लुटेरे और हम पिरामिड के साथ साथ तुम्हें भी लूट लेंगे। बाबा ने कहा, देखो तुम हमें नहीं लूट सकते क्योंकि हम तो पहले ही लुटे हुए हैं, मेरा मतलब है कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा की बात सुनते ही एक लुटेरा कहता है, चलो फिर ये बात छोड़ो और बताओ कि तुम पिरामिड के पास क्या करने आए हो। बाबा ने कहा, मैं पिरामिड के अंदर जा रहा हूँ उस मम्मी का खेल हमेशा के लिए खत्म करने। ये बात सुनते ही तीनों लुटेरों की होश उड़ गई और तभी लुटेरों का सरदार बाबा के पास आता है और बताता है कि पिरामिड के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और पिरामिड के अंदर कोई मम्मी नहीं बल्कि ढेर सारा खजाना है और वो सारा खजाना सिर्फ मेरा है। चलो अब बताओ कि तुम पिरामिड के अंदर कैसे जाओगे। बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम्हें खजाना चाहिए मगर तुम अंदर जाने का रास्ता नहीं जानते, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि पिरामिड के अंदर कैसे जाना है। लुटेरे ने कहा, मगर जाना कहाँ है, क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है। बाबा कहते हैं, हाँ है ना नक्शा, वो उस वैन के पीछे रखा हुआ है, चलो आ जाओ मैं तुम्हें नक्शा दिखाता हूँ। तीनों लुटेरों की छुट्टी करने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से पिरामिड के अंदर चलते हैं इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा मिलकर पिरामिड का दरवाजा खोलते हैं और पिरामिड का दरवाजा खुलते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा पिरामिड के अंदर जाने लगते हैं। पिरामिड के अंदर आते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। गुल्ली बुल्ली और बाबा देखते हैं कि सामने रॉड खड़ा हुआ है और रॉड के हाथ में एक तलवार है, शायद रॉड दरवाजे का पहरेदार बनकर खड़ा हुआ है और ये यहाँ से आगे किसी को भी नहीं जाने देगा। रॉड को देखते ही बाबा का दिमाग खराब हो गया क्योंकि रॉड हर बार बाबा के काम में टांग अड़ा रहा है। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन तभी गुल्ली बाबा को रोकता है और कहता है, बाबा रॉड ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो तो मम्मी के काबू में है। बाबा मैं रॉड को समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मेरी बात समझ जाए।
और फिर गुल्ली रॉड को समझाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे नहीं, रॉड को समझाते समझाते गुल्ली ये बात तो भूल ही गया कि उसे रॉड के ज्यादा पास नहीं जाना था। और तभी बाबा कहते हैं गुल्ली हट जाओ सामने से, और इतना कहते ही बाबा रॉड की तरफ दौड़ लगा देते हैं। बाबा ने कहा चलो ये अच्छा हुआ रॉड अब एक घंटे के लिए बेहोश हो गया है, चलो हमें फौरन आगे चलना चाहिए। बाबा और गुल्ली बुल्ली मिलकर सारी ममीज को ढेर कर देते हैं और फिर तीनों लोग फौरन ताबूत के पास जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा ने जैसे ही ताबूत को खोला तो तीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे क्योंकि ताबूत के अंदर शॉन लेटा हुआ है, और फिर शॉन फौरन ताबूत से बाहर आ जाता है। लेकिन शॉन अब डर क्यों रहा है, अब तो यहाँ पर बाबा है। तभी शॉन पीछे की तरफ हाथ करता है जिसके बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा पीछे मुड़कर देखते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि तुम तीनों बाहर जाओ, और हाँ दरवाजे को बाहर से बंद कर लेना क्योंकि आज मैं इस मम्मी का खेल खत्म कर दूंगा। इधर मम्मी बाबा की तरफ दौड़ लगा देती है, और ये देखते ही बाबा भी फौरन मम्मी की तरफ दौड़ लगा देते हैं। बाबा की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन कमरे से बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। अरे गुल्ली ये शोर कैसा है, इसने तो मुझे सोते से जगा दिया। गुल्ली ने कहा रॉड इसका मतलब तुम ठीक हो गए हो। रॉड कहता है हाँ गुल्ली, मगर पहले ये बताओ कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। तभी गुल्ली बताता है रॉड अंदर बाबा और मम्मी की लड़ाई चल रही है, आज बाबा उसे नहीं छोड़ने वाले। तभी रॉड की नज़र दरवाजे पर पड़ी। रॉड बोला कि तुम लोगों ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, अगर वो मम्मी बाबा के ऊपर भारी पड़ गई तो बाबा को कौन बचाएगा, हटो मुझे अंदर जाने दो। अंदर आते ही रॉड चारों तरफ देखता है, मगर ये क्या, बाबा तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। शॉन बोला कि बाबा कहाँ पर हैं? आखिर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। और तभी और फिर बाबा मम्मी को ताबूत में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।